इसको इस तरह से खेलते हैं। इसका नाम है राज गड़वा। ये है पोंगा। पोंगा हाँ, इससे क्या करते हैं? ये दारू बनाने में काम। अच्छा हाँ, अभी आदिवासी समाज में मतलब यूज होता है हाड़ी तलाई, मतलब पुरानी चीजें जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, व्लॉग में बने रहिए। दाई हरे यही गांव के ही नल्ला सब कुछ पता है ना दाई? नहीं है। जय जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्चना मार्को व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं कंपनी मोहनिया में हूँ और यहाँ जो है प्रशिक्षण था और कार्यक्रम वगैरह सब खत्म हो गया है और लोग चले भी गए हैं और कम को मोहनिया के कुछ लोग बचे हुए हैं उन्हीं के साथ अभी हम लोग हैं और टेंट वगैरह यहाँ पे जो है पूरे निकाल रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आदिवासी संस्कृति जो रीति रिवाज संस्कृति हमारी है, तो नार व्यवस्था होता है, व्यवस्था के बारे में आप लोग पढ़ना तो आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल मैं बता दूँ कि नार व्यवस्था के बारे में जो है यहाँ पर एक एक चीज़ दिखाया गया था, मतलब मरावी बेड़ा, मरकाम बेड़ा, ये सब बना करके जितना भी आदिवासी समाज में मतलब यूज होता है हाड़ी तलाई, मतलब पुरानी चीज़ें जो आजकल देखने को नहीं मिलता है अक्सर करके, तो ये सारी चीज़ें एक प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षार्थी लोगों को दिखाने के लिए सब किया गया था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। अब वैसे तो कल जैसे नहीं है क्योंकि कल अलाउ भी नहीं था इसकी वजह से, तो सामान वगैरह सब इधर उधर हो गया है और उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और कमेंट करके बताना आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें क्या आप लोगों के यहाँ अभी भी है या नहीं, यूज करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, व्लॉग में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और इसके बारे में हम भैया से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। हालांकि देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा लेकिन एक बार फिर से हम लोग भैया से पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका क्या नाम है। और अक्सर ये पहले जो है हर एक घर में किसी के बारी में तो किसी के, आप लोग भी खेले होंगे, हम भी खेले हैं। तो चलिए पूछते हैं इनका नाम। भैया इसका क्या नाम है? इसका नाम है रजगड़वा। हाँ, ये आदिवासी बच्चों का एक परंपरागत खेलने के लिए एक यंत्र है। हाँ, इसमें स्पेस होते हैं जहाँ बच्चे बैठ जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसको जो है घुमाया जाता है दोनों तरफ। और ये घूमता कैसे है, मतलब ये कोयला वगैरह किस लिए यूज किया जाता है? इसमें दो चीजें डाली जाती है, एक ये जैसे इधर चिप्पा कहते हैं। हाँ, चिप्पा। हाँ, और इसमें रहता है एक नॉर्मल कोयला जिसे चारकोल भी कहते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है कि चिप्पा जो है जब चिप्पा दबता है इसको यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ पे रख दिया जाता है। हाँ, कोयला को? अंदर कोयला और चिप्पा दोनों को। हाँ, चिप्पा में क्या रहता है? ऑयल। तो जैसे दबता है ऑयल निकलता है। और ये जो है सिर्फ आवाज का काम करता है। हाँ, वैसे इसमें भी इसका लुब्रिकेशन बढ़ता है। हाँ, और ऑयल के वजह से और चिकना हो जाता। हाँ, है तो जिसके वजह से आसानी से घूमता रहता है और आवाज भी आता है उसके वजह से जो अपन कोयला डालते हैं। वैसे धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है पर फिर भी अभी भी सुदूर क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं जिसे हम संजो कर रख रहे हैं और इसके थ्रू हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से खेलते हैं। इसका नाम है राज गड़वा और हमारे साइड इसको अक्सर करके रायची बोला करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम है ऐसा कुछ। तो चलिए और बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ। हालांकि चीज़ें वगैरह जो है अभी निकाल दिया गया है क्योंकि सब लोग जो है जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मरावी बेड़ा बनाया गया था और फिर यहाँ पे अभी दिखाती हूँ, वहाँ पे चूल्हा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोठली पड़ा हुआ है और अड़गनी पड़ा हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें जो पहले यूज करते थे अक्सर वो आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो इसको दिखाने का मतलब हमारा ये है कि ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे घर में होना चाहिए, इन सब चीज़ों का अभी भी हमें यूज करना चाहिए। धीरे धीरे करके जो है विलुप्त होते जा रहा है, अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें अब नहीं मिलता है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का इसको हाड़ी कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक एक चीज़ घर का सामान जो पहले पुराने ज़माने में हम आदिवासी गोड़ के लोग करते थे वो सारी चीज़ें, जैसे कि ये हो गया पिठला, ये हो गया नांगर, जुआड़ी, चूही, हाड़ी और तरह तरह की चीज है। चलो भाई ये लोगों से पूछते हैं एक एक चीज इनके बारे में। प्रदर्शनी जैसा है जो अपने गोंड ट्राइब्स के
कल्चर से रिलेटेड, जिसमें जो अपने और ये गोटुल है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जैसा था इसमें दिया जाता था। और यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें आप देखे नहीं होंगे, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है बहना, बहना इसे चकिया नहीं कहते, इसे अक्सर हमारे साइड जाता कहते हैं, जाता, हाँ जाता कहते हैं, जाता ही कहते हैं। इसका काम होता है कोदो रहता है, कोदो कुटकी, उसको दरने का जो है वो काम आता है। ये पिटला, जो है तेल पेरने का, ये पिटला है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी से बनाया गया है। यहाँ पे ये इससे रखने के बाद उसको दबाया जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं, ये है पोंगा। पोंगा इससे क्या करते हैं? ये दारू बनाने में। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें होती है पोंगा में। हाँ के साथ ही होता है, इसे कहते हैं कुड़की। तो इसमें इस तरीके से अटैच हो जाता है। इससे नीचे जो वाला जो एक बर्तन रहेगा, ये वाला, इसमें जो है सड़ा हुआ महुआ होता है, जैसे लहनी कहते हैं। तो लहनी को जब गर्म करते हैं, पहले तो उसको सड़ाया जाता है, जब उसको गर्म करते हैं नीचे से, तो जो एल्कोहल है, एल्कोहल इवेपोरेट होता है, जब वाष्प बनता है तो यहाँ ये उसको स्टोर करता जाता है घर से, पाइप के थ्रू ये एक दूसरे बर्तन में जाके गिरता है, उसे कहते हैं मौनी। मौनी में क्या रहता है, कंटिन्यूअसली पानी गिरता रहता है, तो उस वो क्या करता है कि उसको जो है ठंडा करते जाता है, जो भाप आ रहा है उसको ठंडा करते, जो एल्कोहल है एक बर्तन में स्टोर होता जाता है। उसके बाद तो ये हुई दारू बनाने की प्रक्रिया, जो कि आज भी हमारे आदिवासी गोंड समाज में ये प्रक्रिया चल रहा है। और यहाँ पे आप तरह तरह का सामान देख सकते हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा और नाम भी आप लोगों को पता होगा, तो जितना हो सके उतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि हमें जाना भी है। और ये देख रहे हैं, ये रसैनी है, जिन मकान कहते हैं पहली जमानन के आदमी रसैनी बनाए बनाए के चढ़त रही है खरी उरी मतेन। ये गुंडरी है जो बांस से बना हुआ है प्योर, और इसी में ये इसको कहते हैं तुमा, तुमा बचता है, गुनिया देखने का काम, गुनिया पंड कान कहते हैं, गुनिया देखने के काम करते रहे हैं। ये है क्या है, ये गिरना, सिलोटी गिरना, गिरना हाँ। तो कैसे करते हैं इसको? गीली दाल पीसने का काम। अच्छा हाँ, गीला वाला दाल इससे जो है पीस सकते हैं। सिलोटी, सिलोटी लोढ़ा तो आप सबको पता ही होगा। इसके बारे में बताओ। ये सिकना है, ये छीर बहरी, छीर बहरी, छीर बहरी का दो तरीके से यूज होता है, एक तो खनिहार में। हाँ हाँ, खनिहार के बारे में आप लोगों को बताएंगे, फिलहाल हम झाड़ू के बारे में जान लेते हैं। खनिहार में जैसे धान निकल गया तो पैर हटा दिए, नीचे धान है तो उसको कैसे से इकट्ठा करेंगे, तो हाँ। नॉर्मल झाड़ू, छीर बहरी का जो है यूज करते हैं, लाई फोड़ने में भी होता। हाँ, और एक होता है मावा, मावा मावा का भी, मावा मावा हमारे धर्म मावा का ही करते हैं, वगैरह बनाते। तो चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे तरह तरह का सामान है। तो ये सारी चीजें दिखाने का हमारा मकसद क्या है, आप बताइए? इसका मतलब ये है कि लोग गोंड संस्कृति के बारे में जाने, अपने गोंड लोग ही हैं, क्योंकि नाम जो है ना भूलते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। आजकल के लोगों को पूछो तो उनको पता ही नहीं रहता है ना। हम लोग के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो शहरों में जाके बस गए हैं, वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी देखें और अदर लोग जो उनके साथ रहते हैं, उनके आस पड़ोस में रहते हैं, उस चीज़ को और उन तक फैलाएं चीज़ों को, वो भी आके एक्सप्लोर करें और हमारी संस्कृति जो है लोग जाने, दूर दूर तक ये चीज़ें पहुँचें और एक कम्युनिटी में बने रहें, विलुप्त ना हो ये चीज़ें। तो चलिए बहुत बढ़िया। ये है चूही माटी, ये नॉर्मल चूना से थोड़ा सा लो ग्रेड का चूना कह सकते हैं इसको, इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ घोलो और डायरेक्ट। और कहा जाता है कि यहाँ भी चूही वाला है, आपको दिखाएंगे। हाँ हाँ, दाई हरे यही गांव के, ही नल्ला सब कुछ पता है ना दाई, नहीं के हैं कछु पता करे लो ही आ जाओ। ये है छिटका, इसको कुमनी कहते हैं, अपने साइड मछली पकड़ने का काम आता है क्या? हाँ, ये धार वाला रहता है पानी, जिधर से धार यहाँ से पानी जाएगा और साथ में मछलियाँ, तो फंस जाती है मछलियाँ, तो उधर से निकल नहीं पाते, फिर निकल नहीं पाते, स्टोर होते जाती है। बैगा चक जो क्षेत्र है वह उसको कुमनी कहते हैं, इसके बारे में मैं भी
वहीं जाकर सुनी। तो चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों बताने के लिए इतना कुछ है ना कि मैं क्या क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, यहाँ पे हर एक चीज, हालांकि चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं और आधा चीज जो है नहीं। तो क्या है कि जितना है यहाँ पे उतना हम लोग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। नार व्यवस्था का जो है यहाँ पे पूरा दिखाया गया था, हमारे आदिवासी गौर समाज में जो नार व्यवस्था होता है उस चीज का यहाँ पे हर एक चीज प्रैक्टिकली तरीके से दिखाया गया था कि जैसे कि यहाँ पे खलिहान बनाया गया है तो तर्रा, डंडा, जरिया, कैलारी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना भूलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को दिखाने का हमारा मतलब ये है कि हमारे आदिवासी गोंड समाज के जो लोग हैं भूलते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें संजो कर रखना है, भूलना नहीं है, आगे ले जाना है बस। और चलिए हम दिखाते हैं, बने रहिए, क्योंकि बताने के लिए इतना कुछ है। और यहाँ पे ना चलिए भैया लोगों से ही पूछूंगी मैं, और उधर साइड नदी वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। और यहाँ डोकरी उकरी बैठी ने तेन वाला पूछ, भाई यही गाँव की हैं, बहुत पुराना जमाना के तेन वाला पूछ बता ज़्यादा बताया करते हैं, उन्हें ज्यादा पता रह करते थे हमारे में। चलो हम सबसे पहले हम दादा ला पूछबो, दादा एक एक करके बताई हम अल्लाह एक्सप्लेन कर ही अठारह घगरा के बारे में, क्योंकि बहुत पुराना सियाने दादा एला सब कुछ पता हुई तेखर मारे ही ला पूछबो। चल दादा वो धर जाबो, कैसे कैसे है तेन सारा चीज बता बीते मोला, ने एक एक चीज अपन गोड़ी भाषा में बता भी। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है ना कि मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ भी घूमने के लिए आना चाहिए।